एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हूँ आपको कि आपको बोर्ड एग्जाम में अग्री डिसअग्री का आंसर कैसे लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो कैसे होती है और बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिले मेरे वीडियो के थ्रू, एंड प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो जितना हो सके उतना लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन अच्छी से मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर, देखो अभी आप फ्रेशर हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमेशा क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है एंड हमेशा आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है एंड 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एंड टोटल 12 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, यानी 4 × 3 = 12। तो यहाँ पर 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको ये आता है। अगर आप ये भी करके चले जाते हो अच्छे से फिर भी आपको 12 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका मार्किंग स्कीम कैसे होती है, मार्किंग कैसे होती है बोर्ड एग्जाम में, अगर आप इसको इसका आंसर लिखते हैं तो एक एग्जामिनर आपका पेपर किस तरीके से चेक करता है। जब 1 मार्क्स में वो आपके स्टेटमेंट पे रहता है कि आपने अग्री किया है या डिसअग्री किया है, तो ये इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। ओके, और 3 मार्क्स आपके पॉइंट्स के लिए, आपने कितने पॉइंट्स लिखे, करेक्ट पॉइंट्स लिखे हैं या फिर नहीं। देखो अगर आपने करेक्ट 3 पॉइंट्स भी लिखे हैं तो आपको 3 out of 3 मिल जाएगा, लेकिन आपने कुछ भी रामायण लिखी है, कुछ भी रीजन लिख दिया है तो चलो ठीक है, 1 मार्क्स तो मिल ही जाता है, बट वो भी बहुत अच्छा एग्जामिनर रहा तो, अदरवाइज वो भी नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड टोटल 1 क्वेश्चन टोटल 4 मार्क्स का होता है, यानी कि 4 × 3 = 12। तो 12 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैंने थोड़ा टाइम पहले ही बताया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन को राइट कैसे करना है, हाउ टू राइट। एग्जाम्पल दिया यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप सबको पता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट है। वो क्यों है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे स्टडीज करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज बेसिस पे। जैसे कि अगर एक जंगल है तो उसकी स्टडी कौन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। और अगर एक पूरा का पूरा एक जंगल का एक जंगल है तो उसकी स्टडी करेगा कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर एक पेड़ है, जंगल के अंदर का एक पेड़ है, तो उसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स करता। आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों का डिफरेंस। एक इंसान 100 इंसान, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, 100 इंसान मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले आपको 1 मार्क्स तो यहाँ पर मिल जाएंगे, यस आई अग्री विद अबाउट स्टेटमेंट, तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। देन आपको रीजंस लिखने हैं, एटलीस्ट 3 रीजन आप करेक्ट लिखिए और लास्ट में उसे कंक्लूड कर दीजिए। आइदर आप 4 भी, मतलब मैक्स टू मैक्स आप 4 लिख सकते हैं, मिनिमम 3 लिख सकते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी, वेयर एज ऑन द अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दिस स्टडी ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट ओनली ऑफ इकोनॉमी, है ना। तो ये सबसे पहले तो रीजन ये हुआ, एंड सेकेंड क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एग्रीगेट डिमांड सप्लाई नेशनल इनकम जनरल प्राइस लेवल। ऑन द अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल डिमांड। अब दोनों में डिफरेंसेस बताए गए, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है, माइक्रो किसको स्टडी करता है, तो दोनों में डिफरेंस बताए गए हैं। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉलो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ऑन द अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल को स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आई यूज इस्लाम। अब इस क्वेश्चन में आप डिफरेंशिएट बता सकते हो, क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये इसमें पूछा गया है, ये इसमें पूछा गया है, या इससे ये डिफरेंट है, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ओके, चलिए ये वीडियो कैसे लगे आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, सो शेयर करना है आप सबको, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच।